बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना ज़रूर चाहेंगे जो शायद आपने इससे पहले बहुत कम सुनी होगी। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की ज़िंदगी कितने विवादों से घिरी रही, कितने रहस्यमय तरीके से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी सवालों से घिरी रही, कितने ज़्यादा उनकी अतीत के पन्नों में दर्द, पीड़ा और काले धब्बे हैं, ये तो सबको पता है। खैर, रेखा अपने दिवंगत तमिल स्टार जेमिनी गणेशन की बेटी है, पर उन्होंने कभी भी रेखा को ना तो स्वीकार किया ना ही बेटी का प्यार दिया। रेखा बिन ब्याही माँ की बेटी भी कहलाई। रेखा पिता के प्यार के लिए ताउम्र तरसती रही हैं, ये तो आपको पता ही है, बहुत कम लोग जानते हैं। रेखा जब जन्म हुआ था रेखा का, तो उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। कुछ सोर्सेस कहते हैं, BCCL के सोर्स ने इस तरह के दावे किए, और बिन ब्याही माँ की औलाद थी रेखा, रिपोर्ट्स ये भी कहते थे। और उनके पिता के चार महिलाओं के साथ संबंध भी थे। पिता जेमिनी गणेशन के चार और महिलाओं के साथ संबंध थे। रेखा ने इस बारे में बात करने से हमेशा खुद को दूर रखा। जेमिनी गणेशन के चार और महिलाओं के साथ संबंध थे और उनसे भी उनके बच्चे हुए थे, पर कभी भी रेखा और उनकी मां को जेमिनी गणेशन ने स्वीकार नहीं किया था। बर्बाद में शादी ज़रूर कर ली थी। एक बार सिमी ग्रेवाल के शो में आई थी रेखा और उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया था कि एक ही शहर में रहते हुए भी कभी भी वो पिता से नहीं मिली, पिता के प्यार के लिए तरसती रही, बिन पिता की बेटी रही बनी रही, पिता के होते हुए भी अनाथ की तरह ज़िंदगी जीती रही। रेखा ने कहा था, जब पीछे मुड़कर वो देखती हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं पिता का मतलब होता क्या है। फादर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चर्च के पादरी को ही वो जानती हैं, ये कहना था रेखा का। जी हाँ, रेखा के जब पिता का निधन हुआ तो ना ही रेखा ने शोक मनाया और ना ही वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। खुद रेखा ने टाइम्स से इंटरव्यू में बातचीत के दौरान अपने पिता के बारे में जानकारी दी कि आखिर मैं उनके मौत पर क्यों शोक मनाऊं, आखिर अपने पिता के निधन पर मुझे दुख क्यों हो, जब उनसे कोई लेना देना था ही नहीं, जीते जी जब वो कभी उनके सामने नहीं आए, जीते जी भी वो उनके लिए जीवित जैसा कभी उन्हें महसूस कराते नज़र नहीं आए, फिर आखिर क्यों मनाऊं मैं शोक। रेखा ने आगे ये भी कहा, मेरी ज़िंदगी में उनका कोई ख़ास योगदान था ही नहीं, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं बस मेरी कल्पना में साथ मौजूद थे। अगर पिता होते तो क्या मजबूरी में रेखा को बॉलीवुड में आना पड़ता, छोटी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखना पड़ता, छोटी सी उम्र में बॉलीवुड की इस काली दुनिया का जिल्लत सहना पड़ता। रेखा जिन्हें विश्वजीत रे ने जबरन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान लिप लॉक सीन करवाया, जिसकी वजह से रेखा अंदर से टूटी थी, भला वो दिन कैसे भूल सकती है रेखा। रेखा की मां पुष्पावली साल 1991 में ही गुजर गई थी, वहीं पिता जेमिनी गणेशन का 22 मार्च 2005 में निधन हुआ था। तो रेखा के बारे में हमने आप सबको बताया है, जिस बारे में शायद आपने पहले सुना भी ना हो। इससे जुड़ा एक और भी सच है जो आपको हम ज़रूर बताना चाहेंगे। रेखा का बचपन जो काफ़ी पीड़ादायक रहा, माँ के जाने के बाद उन्हें काफ़ी दर्द सहनी पड़ी, लेकिन रेखा को इसके अलावा भी काफ़ी पीड़ा सहनी पड़ी है। रेखा के बारे में बात की जाए तो आज भी अगर आप कहीं सर्च करेंगे तो रेखा किन की बेटी है ये सवाल उठता है। तो रेखा तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर दिवंगत रामा स्वामी, जिन्हें जेमिनी गणेशन के नाम से जाना जाता है, उनकी ही बेटी कहलाती है रेखा। रेखा के अलावा जेमिनी गणेशन के 7 और संतान थे, एक बेटा और 6 बेटियां, जिनके नाम विजया चामुंडेश्वरी, सतीश कुमार, राधा उस्मान सैयद, रेवती स्वामीनाथन, कमला सेलवराज, नारायणी गणेश और
जया त्रिधर हैं। रेखा को अक्सर आप एक बहन, सौतेली बहन राधा के साथ देखते होंगे। बॉलीवुड के कई इवेंट में रेखा के साथ उनकी सौतेली बहन राधा नज़र आती हैं, जो उनके साथ रहती नहीं लेकिन मिलने उनसे ज़रूर आती हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, रेखा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो राज किया, सदाबहार अभिनेत्री वो बनी अपनी काबिलियत की वजह से, डिटरमेंट होने की वजह से, लेकिन कभी भी रेखा को अपने परिवार में रिश्तेदारों का प्यार नहीं मिला। पिता ने नहीं अपनाया तो पिता के परिवार ने भी रेखा को कभी भी स्वीकार नहीं किया और ना ही प्यार दिया। रेखा ने इसलिए भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अपने अतीत में अपने परिवार को याद नहीं किया। वो बॉलीवुड को ही अपना परिवार इसलिए भी बना बैठी क्योंकि उनके लिए उनका परिवार अपना तो कोई था ही नहीं। परिवार का प्यार क्या होता है वो तो कभी जान ही नहीं सकी। जिनकी अदाकारी के दीवाने की कमी बॉलीवुड में आज भी नहीं, वो प्रोफेशनल लाइफ में इतनी सक्सेसफुल रहीं, आज भी सदाबहार अभिनेत्री अंबानी की पार्टीज़ में नज़र आती हैं, इतनी वो मशहूर हैं। लेकिन असल ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी उनकी पीड़ादायी रही है। इंडस्ट्री में बेहतरीन एक्टिंग से छाप छोड़ने वाली ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें कई तरह से अपनी रंगत को लेकर भी निशाने पर रहना पड़ा। सावन भादो फिल्म से 1970 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाली रेखा ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि एवरग्रीन ब्यूटी से भी आज भी मशहूर है। 10 अक्टूबर 1954 में साउथ इंडियन फैमिली में जन्मी रेखा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही करियर की शुरुआत की थी। बच्चे जिस उम्र में खिलौने से खेलते थे उस उम्र में रेखा को पढ़ाई छोड़कर स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई थी और 4 साल की उम्र में ही रेखा ने तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू में काम किया था जिसमें वो एक्टिंग करते नजर आई थी। 1958 की इस फिल्म ने 5 दशकों तक रेखा ने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी दिखाई है, इसलिए भी कहा जाता है। अपने ज़माने की सभी हीरोइनों पर भारी पड़ने वाली रेखा का लंबा कद, सांवला रंग, सुंदर नैन नक्श, रेखा यूं ही एवरग्रीन ब्यूटी नहीं कहलाती। फिल्मों और खूबसूरती के अलावा रेखा सुर्खियां बटोरने में अपनी ज़िंदगी में अफेयर को लेकर भी, प्यार और अधूरी शादी की कहानी की किस्तों में आए दिन बनी रहती हैं। रेखा की शादी मुकेश अग्रवाल से हुई लेकिन साल भर भी ये शादी नहीं टिकी थी। ऑपरेशन जैकपॉट, नल्ली, CID, ये वो फिल्में हैं जिसे रेखा की डेब्यू फिल्मों के तौर पर जाना जाता है। पहली हिंदी फिल्म सावन भादो थी। 4 साल की उम्र से एक्टिंग करने वाली रेखा ने जिंदगी में आराम तो जाना ही नहीं, रेखा को घर की तंगी ने ही काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया था। मजबूरी में B और C ग्रेड फिल्मों में भी रेखा ने काम किया था।